तो दोस्तों ये हम जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ जो रास्ता जाता है, यहाँ से टर्न होके वो जाता है हिमानी चामुंडा के लिए। तो ये ऊपर का वाला रास्ता है, तो हम यहाँ से होकर जाएंगे और यहाँ स्टार्टिंग होती है चढ़ाई, यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर हिमानी चामुंडा जी का मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव गुलेरिया और आज हम आए हैं हिमानी चामुंडा के दर्शन करने के लिए। और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं इधर, तो पीछे हमारे दोस्त हैं, अभी वो बहुत ही पीछे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इधर हमारे जी सोनू सकलानी जी। यार है हमारे दोस्त पीछे, और अभी हम चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं। और आगे जा रहे हैं सोनू जी। और ये हैं चामुंडा की पहाड़ियाँ जहाँ बर्फ़ पड़ी है, और आज भी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। ऊपर का नज़ारा और यहाँ पे हमें एक पुरानी झोंपड़ी मिली यहाँ, और आने जाने वाले लोग यहाँ पे भी ठहरते भी होंगे। तो ये है, थोड़ा शांत हो गया है। सलाद बनाना है, यहाँ पे है छोटी सी झोंपड़ी और यहाँ खाना भी बनाते हैं। ये है हिमानी चामुंडा मंदिर। तो यहाँ पे प्रथम गेट है जो वहाँ हम क्रॉस करने जा रहे हैं, और आगे जाके जो आने वाली पहाड़ी है वहाँ पे चामुंडा माता बसी हुई है। और ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, और आगे ये है हमारे जो फ्रेंड जा रहे हैं, और कुछ दोस्त पीछे भी हैं। वो टोपी वाले भाई साहब वो हैं विजय जी, और अजय जी हैं, और उमाकांत जी हैं, हांगकांग वाले हैं ये। यार दोस्त पीछे, हाँ
और ये है छोटी छोटी टपरियाँ जो गधियों ने अपने लिए बनाई हुई है, और यहाँ इनके घोड़े बकरियाँ चरागाह में घास चरने जा रहे हैं। और ये है ऊपर हनुमान जी का मंदिर, और ये है हिमानी चमुंडा वाला ऊपर का नज़ारा। यहाँ जो है चारागाह है जहाँ पे घोड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है ऊपर का। ये ऊपर वाली पहाड़ियाँ हैं, और पीछे अभी जो हमारे फ्रेंड हैं वो भी आ रहे हैं, पैसे देने के लिए फोन करने। और यहाँ पे गधियों का यह बसेरा है जहाँ इन्होंने छोटी छोटी टपरियाँ बना के रखी हुई हैं, और शाम को यहीं ये स्टे करते हैं। और ये है ऊपर पहाड़ियों का नज़ारा जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और नीचे हमारे फ्रेंड भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं लाठी का सहारा लेके। और ये दोस्तों ऊपर वाला दृश्य, अभी हम जा रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, कम से कम हमें अभी 1 घंटा और लगने वाला है। बहुत ऊपर चढ़ाई है, हम्म।